Assalamualaikum friends, hope you all will be fine. I'm back with a new video. ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों को बताऊंगा HSC पाकिस्तान की जानिब से जॉब्स का ऐलान किया गया है. न्यू जॉब्स है BPS 19 तक इसमें जॉब है, जो कि एक बहुत ही हाई ओहदा है. आप लोग कुछ समझ आती होगी BPS 19 की. तो इसके अलावा और भी बहुत सारे जॉब्स हैं, लेकिन उससे पहले अगर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट जॉब्स के लिए. साथ ही इसमें स्कॉलरशिप भी मैं अपलोड करता हूँ. और वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें. तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो. जी तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, जो HSC वालों की जानिब से दी गई है. वो कौन सी एडवर्टाइजमेंट है आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ. ये है उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, में मुख्तलिफ जॉब दिए गए. इसका लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जब आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग स्ट्रेट इधर ही आ जाएंगे. ये तस्वीर भी होगी, साथ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का उधर एक और लिंक भी होगा. लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मुख्तलिफ जॉब है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूँ कि BPS 3 से लेकर BPS 19 तक इसमें जॉब है. हर एक जॉब मुख्तलिफ प्रोविंस के लिए है, तो आप लोगों ने साथ वो भी चेक करना है. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो जॉब है BPS 19 डायरेक्टर के लिए. उसको मैं ऐसे ही स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन करूँगा तो आप लोग सिंपल, वीडियो लंबी हो जाती है मैं बार बार कहता हूँ. इसके अलावा और भी जो जॉब्स हैं उसको भी आप लोग देखिए, साथ में लिंक दे रहा हूँ डायरेक्ट, वो लोग उधर लिंक पे क्लिक करके भी जा सकते हैं. लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताऊँगा लास्ट में. अच्छा, तो आप लोग ये और जो सात जॉब्स हैं ये भी आप लोग देख कर लें, जो आप लोग करवेंट जॉब है उसके लिए अप्लाई कर लें. अच्छा, अप्लाई किस तरह करना है, आप लोगों को जो लिंक दे रहा हूँ उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आ जाएगा, उधर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. जब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड जब करेंगे तो उसको आप फिल कर लें कंप्यूटर में या ऐसी, और उसको फिर आप लोगों ने भेज देना है नीचे. जो एड्रेस आप लोगों को नज़र आ रहा है अमजद हुसैन शाह असिस्टेंट डायरेक्टर, ये जो एड्रेस है इस पर, ठीक है. साथ ही आप लोगों ने 250 रुपये जमा करने हैं HBL बैंक में. अकाउंट नंबर आप लोगों को गिवन है, इसी पे आप लोग देख सकते हैं अकाउंट नंबर इसका इधर ये है गिवन है, उन्होंने दिया हुआ है. तो आप लोग जो एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ उधर से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं. चाहे इस पे भेजने के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा जो इस्लामाबाद और ऑल इंडिया वाले हैं उनका, तो इधर ही होगा HSC में. और जो बाहर के लोग हैं उनसे कॉल पे भी लिया जा सकता है, और साथ ही वीडियो कॉल पे वॉइस कॉल किसी पे भी लिया जा सकता है. अच्छा, बैंक के लिए आप लोग पोस्टल ऑर्डर और चेक एक्सेट्रा से भी पे ऑर्डर आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जो वो लोग जिनके मुख्तलिफ डिग्रीज में थर्ड डिवीज़न मार्क्स हैं वो नॉट एलिजिबल है अप्लाई के लिए. अच्छा, अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों ने सेपरेट फॉर्म इसके लिए भेजने होंगे, ठीक है. अच्छा, जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने एक एप्लीकेशन में अप्लाई करना है उसका नाम आप लोगों ने क्लियरली मेंशन कर देना है, और वुमेन सर्विस में और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर चैनल है, तो वो प्रॉपर चैनल उनको पता होगा किस तरह अप्लाई करते हैं, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटरटेन, तो सब चीज़ें आप लोगों ने फिल करनी है. रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड. अच्छा, रिटन टेस्ट भी होगा, सॉरी जस्ट इंटरव्यू नहीं है, रिटन टेस्ट होगा उसके बाद फिर इंटरव्यू भी होगा. अच्छा, MS ऑफिस गुड वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश में आप लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए. विल बी कॉल, अच्छा एलिजिबल कैंडिडेट्स के अलावा जो टेस्ट पास करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए. अच्छा, मैं आप लोगों को उस लिंक पे लेके जाता हूँ जिसका मैं आप लोगों को जिक्र कर रहा था कि मेरे वो जो लिंक है वो मैंने कॉपी किया हुआ है. तो उस लिंक में इस एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका लिंक है, उसके दो लिंक्स है. एक MS ऑफिस, अगर आप लोग कंप्यूटर में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए MS वर्ड का लिंक भी है, और साथ ही PDF का लिंक भी है. तो दोनों लिंक इधर मौजूद है, तो जिस हिसाब से आप लोगों ने अप्लाई करना है उसी हिसाब से आप लोग उस लिंक पे क्लिक करें तो आप लोगों को वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड. अच्छा, ये देख सकते हैं दो लिंक है, ऊपर एक है ये वाला जो है ये MS वर्ड के लिए, और ये PDF के लिए अगर आप लोग हाथ से करना चाहते हैं. अच्छा, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो कोई लिंक आ जाएगा साथ में डाउनलोड होने के लिए, वो आपसे परमिशन मांगेगा. ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, परमिशन मांगेगा. लेकिन ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये क्या फॉर्म है, और इसके लिए
किस तरह आप लोगों ने फिल करना है। लेकिन वीडियो अगर पसंद आई है तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लें ताकि किसी का भला हो, और साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा अगर न्यू है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स और स्कॉलरशिप वीडियोस आगे भी बनाने वाले हैं, ऑलरेडी भी बनाई है, उनको भी आप देख सकते हैं, वो आप उससे मिस हो जाएगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, इसमें स्टार्ट में तो सिंपल चीज़ें हैं, नाम, फादर नेम एक्सेट्रा, जो कि हर कोई कर सकता है। अच्छा, स्टार्ट से अगर आप लोग देख लें, उधर आप लोगों ने फोटोग्राफिक अटैच करना है और पोस्ट अप्लाइड फॉर, इधर आप लोगों ने उस पोस्ट का नाम लिखना है और कोटा एक्सेट्रा जो कि उधर के बने सब कुछ लिख लेना है। तो नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सी एन आई सी सब जन्म सिलेंडर ये आप लोगों ने लिख के नीचे आ जाना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन है पोस्ट के मुताबिक उधर आप लोगों ने फिल करना है। साथ ही डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, अगर आप लोगों ने कोई कोर्स किए तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप लोग लगा सकते हैं अपने मुताबिक जो आप लोगों की है। और सर्विस हिस्ट्री, अगर आप लोगों के कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है एक्सेट्रा या कोई और है, तो जो आप लोगों की हिस्ट्री है कि कहाँ आप लोगों ने जॉब किया है, किस तरह और कब से कहाँ तक, तो वो आप लोग देख दे सकते हैं। आप लोग ज़रूर दें, जो मैं आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स का बता रहा था वो यही है कि ये जितना आप लोग देंगे, आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होगा, जितने साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो वो आपको प्रेफर करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी अगर आप लोगों ने किए तो आप लोग देख सकते हैं। अवार्ड और ऑनर अगर आप लोगों को कोई मिल रहा है तो उसका जिक्र ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी जॉब के लिए। मेंबरशिप ऑन बोर्ड कमेटी अदर बॉडी, अच्छा ये भी अगर आप लोगों के ये कोई किसी ने हिस्सा लिया तो वो भी दे सकते हैं। अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन जो कि लिस्टेड अबाउ नहीं है तो आप लोग कह सकते हैं। अच्छा, ये अंडरटेकिंग है ये कि मैंने जो भी कहा है वो करेक्ट है विद द बेस्ट ऑफ द नॉलेज। तो ये थी वीडियो, सब चीज़ें बता दी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिएगा इस चैनल की तरफ, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को दिखाई जाएंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। और अगर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।